नेक्स्ट हेमी स्पिरिकल सेल, अब ये अंदर से खाली है, ठीक है। अगर ये हेमी स्पिरिकल सेल है तो ये अंदर से बिल्कुल खाली है और इसका मुझे सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो इसमें जो मासेज है, अगर देखो हेमी स्पिरिकल सेल है ना, हेमी स्पिरिकल सेल है तो जो मासेज है वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है। अंदर तो कोई मास नहीं है, अंदर तो ये इस कटोरे की तरह ना यार खाली है, ठीक है। ये जो कटोरा नहीं होता इस टाइप से, तो अंदर से अंदर जो मासेज है वो एरिया वाइज है, इधर एरिया में है, अंदर में पूरा खाली, क्लियर है। तो अब जो ये बात हमें समझ, सबसे पहले मैं इसका अगर सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करूंगा। देखो कैसे कट कर रहा हूँ इसको, ये बात आपको समझना है। अब मैं यहाँ से इसको अगर मैं कट करूंगा तो मुझे एक रिंग मिलेगा, ठीक है। ये हाँ, बी केयरफुल कि इस तरह से हम लोग कट किए हैं कि ये जो एलिमेंट है वो एक रिंग है भाई। अगर ऊपर से काट दोगे तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट, ये दिस इज द रिंग, डिफरेंशियल रिंग, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल रिंग मिलेगा। इस रिंग को अगर मैं इधर बनाऊं आपके लिए तो ये रिंग कुछ ऐसे दिखेगा, ये रिंग कुछ ऐसे दिखेगा। ये एक रिंग है और इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है, सी, क्लियर है। ये इस हेमी स्फीयर का सेंटर वो है, हेमी स्पीयर का ये रेडियस, इस सेल का रेडियस आर है और इसके पास मास कैपिटल एम है, क्लियर है। चलो अब इस रिंग का जो रेडियस है वो हमें नहीं पता है, स्मॉल आर मान लेता हूँ। अगर मैं इस रिंग को खोल दूंगा तो मुझे ऐसे 2 पाई आर का लेंथ दिखेगा, ठीक है। आर क्या है हमें नहीं पता है, अभी निकाले नहीं है ना, रेडियस है, रिंग का रेडियस है, पर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो हम कुछ ले लेते हैं। चलो तो यहाँ पर जो एलिमेंट है देखो, थोड़ा सा जैसे डिस्क था तो उस टाइप से नहीं है यार, एलिमेंट सरफेस वाइज वेरी कर रहा है, तो मुझे थीटा डिग्री पर एलिमेंट लेना पड़ेगा और वो हमें कुछ ऐसे, ये वाला जो एंगल है ये, दिस बी केयरफुल कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है यहाँ पर मासेज है, ये जो मास है क्योंकि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ से मैं थीटा डिग्री पर गया, ये एंगल थीटा था एक्स एक्सिस से, और ये जो एलिमेंट लिया हूँ दैट इज वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो आर डी थीटा आ जाएगी। मास जो मास लिए हैं, रिंग की थिकनेस है, ठीक है, समझना, ये जो रिंग की थिकनेस आ जाएगी, रिंग की थिकनेस आ जाएगी आर डी थीटा, क्लियर है। तो रिंग की अगर थिकनेस आर डी थीटा आ जाएगी तो रिंग का सेंटर यहाँ आ जाएगा, तो ये रिंग का रेडियस हो गया। यहाँ देखो रेडियस हो गया तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन गया है, ये ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसमें ये एंगल थीटा था, तो ये भी एंगल कितना है, थीटा है, और ये रिंग की रेडियस है, ठीक है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया जिसकी वैल्यू होगी, वाई कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू होगी, ये रेडियस आर है तो आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा आर कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिंग की रेडियस, ये वाली जो रेडियस है ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, और ये वाली जो ये जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस एलिमेंट, रिंग के वाई, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अब हमें नहीं पता है, उसको मैं निकाल रहा हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका जो है ये सेंटर ऑफ मास रिंग है उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मैं निकाल लिया, कितना है वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा, और इस रिंग की रेडियस आ जाएगी आर कॉस थीटा, क्लियर है इतनी सारी बातें। अब ये सारी बात अगर मुझे निकल गई तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि मासेस एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, तो अगर मासेस एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है तो मुझे निकालना पड़ेगा एरिया किसका, इस छोटे से एलिमेंट का। तो इस छोटे से एलिमेंट डीए का छोटा एलिमेंट है, छोटू है तो छोटू एरिया, ठीक है। छोटू एरिया कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, हेमिस्फीयर के लिए, और मल्टीप्लाइड बाय इस, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया आ जाएगा
देखो इसका जो एरिया आ जाएगा, ये खोल दिए ना, तो रिंग का एरिया एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, तो 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस आर डी थीटा, ठीक है। तो 2 पाई आर की वैल्यू उधर निकाल के लेके आए हैं, कितना है आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर कॉस थीटा, तो कैपिटल आर कॉस थीटा और एक आर डी थीटा इधर से आ रहा था, तो कुल मिला के 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, दिस इज द स्मॉल एरिया ऑफ दिस डिफरेंशियल रिंग। क्लियर हुआ? तो ये जो डिफरेंशियल रिंग है ये उसकी एरिया है, ठीक है। अब हमें इसमें डीएम चाहिए यार, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं इसके लिए डीएम कहाँ से लेके आऊं, तो डीएम मैं निकालूंगा। तो डीएम क्या होता है, डीएम होता है मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई छोटा एरिया, क्योंकि मासेज एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, ठीक है। तो चलो अगर मासेज एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट है तो मास एम आ गया, चलो, और इसकी एरिया हेमी स्पीयर, अगर ये पूरा स्पीयर होता तो इसकी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होती, अभी कितना हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर दूं इस छोटे से एरिया से 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब कैपिटल एम कॉस थीटा एंड डी थीटा दैट इज द डीएम, ये आ गया अपना डीएम। अगर डीएम भी आ गया और सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट भी आर साइन थीटा पहले ही निकाल चुके हैं रिंग का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, स्फीयर का नहीं, तो ये, तो अब मैं डायरेक्ट क्या करूँ, फार्मूला लगा दूँ। फार्मूला क्या था वाई कोऑर्डिनेट का, वही पुराना कहानी। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू y और dm, ठीक है। और अब देखो y क्या है, dm इलिमेंट का y कोऑर्डिनेट, dm इलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, जो कि इस रिंग का सेंटर यहां पर आएगा, और जो कि r साइन थीटा के इक्वल है, और dm उधर से उठा के लेके आए m cos थीटा d थीटा। अब इंटीग्रेशन थीटा में हो रहा है, तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, बी केयरफुल लिमिट, यहां पर लिमिट में बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो लिमिट थीटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से थीटा स्टार्ट हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, लेकिन अगर थीटा 0 0 टू, अब थीटा जाएगा मास से कवर होगा, जैसे जैसे थीटा आगे मूव होगा ये मास कवर होगा ना, तो ये रिंग देख रहे हो, ये रिंग आगे इस तरह से ऐसे बढ़ेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। तो जो अगर थीटा जैसे जैसे आप चूज करोगे थीटा इस तरह से रिंग बढ़ेगा, तो लिमिट जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि जैसे ही आप इधर वाला कवर करोगे इधर वाला ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है यार, टू 0 टू पाई बाई 2 यहां तक जाएगा, तो जैसे इधर वाली रिंग कंप्लीट होगी इधर वाली तो ऑटोमेटिकली एड हो रहा है ना, क्लियर है। तो ये इसलिए मैं अब जो सेंटर थीटा जो लिमिट है थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। तो थीटा लिमिट जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इसमें कैपिटल एम से डिवाइड भी करते हैं, ठीक ना, मास कैपिटल एम से डिवाइड भी करते हैं फार्मूले में। तो कैपिटल एम ने कैपिटल एम को खत्म कर दिया, आर बाहर आ गया, और इंटीग्रेट हो गया साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्लियर है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब ये हुआ कि जो YCM है, YCM अब कितना हो गया, अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं 2 से इधर डिवाइड कर दूं और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा इधर r बाई 2 बनेगा, और इधर बनेगा साइन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, और d थीटा, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन होता है साइन n थीटा d थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस, वो होता है माइनस कॉस एन थीटा और डिवाइडेड बाई एन प्लस ये, ठीक है, सी। तो ये फार्मूला लगा देते हैं, तो आर बाई 2, ठीक है, आर बाई 2 साइन थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट गया 0 टू पाई बाई 2,
जीरो टू पाई बाई टू। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा फाइनल रिजल्ट देगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा माइनस आर बाई फोर, माइनस आर बाई फोर, और कॉस लिमिट रखो तो कॉस कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई टू रखोगे तो इधर मिलेगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई और माइनस कॉस जीरो। तो माइनस आर बाई फोर और कॉस पाई माइनस वन, और ये कॉस पाई माइनस वन और ये कॉस जीरो माइनस वन, ठीक है। तो ये मिलेगा माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस मतलब आर बाई टू पर आएगा। तो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, आर बाई टू। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब रेडियस के जस्ट हाफ पे आएगा। अगर कोई हेमी स्पिरिकल सेल है, हेमी स्पिरिकल सेल है, अंदर से खाली है, ठीक है, मटेरियल नहीं है, रेडियस आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये पूरी की पूरी रेडियस आर है, तो इसके मिड पॉइंट पे आएगा यहाँ, यहाँ से यहाँ सेंटर से ये वाली डिस्टेंस आर बाई टू पर ही यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका आएगा, है ना, क्लियर है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि यार जो रिंग 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 मिलके एड हो रहा ना, तो रिंग ओवर रिंग रिंग, और एक रिंग का वाई एक्सिस पे आ रहा, तो बहुत सारे रिंग का भी तो वाई पे आएगा,